नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर बाय पैशन की एक और नई डिस्कशन में। और आज हमारे साथ हैं सीए अर्चना जैन। आज हम इकट्ठा हुए हैं दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर नंबर 37 जो कि 2015 मार्च 2018 को इशू हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। इस सर्कुलर में 17 पॉइंट्स हैं और हम अपनी सीरीज में 17 के 17 पॉइंट्स कवर करेंगे। ये सर्कुलर जो है दोस्तों दो बेसिक सर्कुलर्स और उसके बाद उनकी क्लेरिफिकेशंस के बारे में बात करता है। दो पहले सर्कुलर्स थे, सर्कुलर नंबर 17 जो कि 15 नवंबर को इशू हुआ था और सर्कुलर नंबर 24 जो कि 21 दिसंबर को इशू हुआ था। उनसे जो पॉइंट्स ओरिजिनेट हुए, एमिनेट हुए, जो कंफ्यूजन्स आए, जो भी इश्यूज आए, उन इश्यूज का जो सोल्यूशन है दोस्तों वो इस सर्कुलर नंबर 37 में दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अर्चना मैम से कि वो शुरुआत करें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला पॉइंट आता है नॉन अवेलमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही टॉक अबाउट पॉइंट था और जब जीएसटी आया तो कोई क्लैरिटी नहीं थी। कॉन्सेप्ट था हायर रेट ऑफ ड्यूटी का, हायर रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर कस्टम्स, जो कि 30 सितंबर 2017 तक प्रिवेल रहा। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि अगर हम हायर रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे हैं तो क्या हमें बाकी जो हमारे रिफंड्स हैं आईटीसी के, क्या वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब ये एम्बिग्यूटी क्यों आई, क्योंकि जो प्रोविजो है, थर्ड प्रोविजो अंडर सेक्शन 54(3), वो बात करता है कि अगर आपने कहीं पे भी ड्यूटी ड्रॉबैक लिया है सेंट्रल टैक्सेस का, तो आपको आईटीसी का रिफंड अलाउड नहीं होगा। अब वो एम्बिग्यूटी आती है सेंट्रल टैक्सेस की, बट जब ये लॉ ही 1 जुलाई से एप्लीकेबल है तो उससे पहले जो ड्यूटी ड्रॉबैक है तब सेंट्रल टैक्सेस थे ही नहीं, तो वो बात कर रहा है यहाँ पे एक्साइज और सर्विस टैक्स की जो कि सेंट्रल टैक्सेस के ड्यू में थे। बट उसके बाद फर्दर एक क्लैरिफिकेशन आ गई कि नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीजीएसटी और आईजीएसटी की, और क्योंकि उन सब का कोई अवेलमेंट नहीं था हाई रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक में, तो आप उनको हाई रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ में, आपको हाई रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक जब आपको मिल रहा है तो आपको सीजीएसटी और आई नहीं मिलेगा, बाकी आपको अलाउड होगा। और एक और फर्दर क्लैरिफिकेशन आई कि जब आप ड्यूटी ड्रॉबैक का हाई रेट पे क्लेम कर रहे हो तो भी, क्योंकि सी आर आई तो नहीं मिल रहा, बट आपको एस पी भी अवेलेबल रहेगा, यानी स्टेट लेवीज के अंदर आपने जो एसजीएसटी पे करा है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात को क्लैरिफाई किया और उसमें उन्होंने बताया कि आपके पास एक टेबल 9 है जीएसटीआर 1 में, जिसको अमेंडमेंट टेबल कहते हैं जीएसटीआर 1 में, टेबल 9। इसमें उन्होंने कहा कि भी अगर मान लीजिए आपको जीएसटीआर 1 भरते हुए टेबल 6A या 6B में आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी और उसमें आपसे कोई गलती हो गई, तो आप टेबल 9 के द्वारा अगले कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसिव टैक्स पीरियड की टेबल 9 के द्वारा अर्लियर टैक्स पीरियड में जो भी आपने टेबल 6A और 6B में जो इन्फॉर्मेशन भरी उसको आप अमेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं वो इस बात का कॉग्निजेंस लेंगे वाइल इशूइंग रिफंड कि फ्यूचर फर्दर पीरियड्स में, सब्सिक्वेंट पीरियड्स के जीएसटीआर 1 में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज बीइंग कोलेटेड फॉर अलाउइंग रिफंड ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स आल्सो। सो दिस वाज दिस। नेक्स्ट मैम, एक्सपोर्ट विदाउट एनड्यूटी। एज वी ऑल नो देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ बॉन्ड अंडर अर्लियर टैक्स रेजिम, बट नाउ सर्विस टैक्स के लिए ऐसा कोई एलयूटी का प्रोविजन नहीं था पहले, बट जीएसटी के साथ जैसे बहुत सारी नई बातें हैं तो ये भी एक नया प्रोविजन आया कि अब आप सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आप एलयूटी के अंदर कर सकते हैं। बट एलयूटी किसको मिलेगा, उसके क्या कंडीशंस रहेंगी, बॉन्ड कितने अमाउंट का रहे, तो ये बहुत सारी एम्बिग्यूटीज थी जब तक कि 8/8/2017 सर्कुलर डेटेड 4 अक्टूबर 2017 तक नहीं आया था। उसके बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि क्या क्या रहेंगे डॉक्यूमेंट्स, आपको कैसे एलयूटी फाइल करनी है और किस किस को एलयूटी के लिए एलिजिबिलिटी। अब ये सब तो हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने उस दौरान एक्सपोर्ट भी किया होगा, या आज मैंने एलयूटी फाइल करी और मेरे को एलयूटी आने में 15 दिन लगे, इन टाइम लैग के बीच में मैंने एक्सपोर्ट करा है। तो इस सर्कुलर के माध्यम से सरकार ये कह रही है कि हमने अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो उसको केस टू केस बेसिस के ऊपर देखा जाएगा कि वो क्या आपके पीछे उसकी इंटेंशन थी, और प्रोसीजर लैप्स है अगर कोई तो आपको जो एक्सपोर्ट के सब्सटेंटिव बेनिफिट्स हैं उनको डिनाय नहीं किया जाएगा एंड केस टू केस बेसिस पे कंडोनेशन विल बी अलाउड फॉर द सेम। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें ये है कि अगर एक्सपोर्ट्स आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, अब स्थिति क्या है दोस्तों कि रूल 96 ये कहता है कि आपने एक्सपोर्ट करना है आईजीएसटी पे करके आफ्टर अंडर बॉन्ड या एलयूटी, लेकिन यहाँ दो कंडीशंस अटैच्ड हैं दोस्तों।
कि अगर मान लीजिए आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज, गुड्स के केस में कंडीशन अलग है, सर्विस के केस में कंडीशन अलग है. गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 3 महीने का समय दिया गया है और 3 महीने लैप्स होने के 15 दिन का और एडिशनल समय दिया गया है कि इस 3 महीने 15 दिन के अंदर अंदर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर देना है. 3 महीने कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस. अगर आज टैक्स इनवॉइस इशू किया है तो आज से 3 महीने, उसके 3 महीने खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और अगर नहीं किया तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट दोनों पे करना है. और सर्विसेज के केस में क्या कंडीशन लगाई दोस्तों, कि अगर आपने कोई सर्विस की इनवॉइस के 1 साल और उसके 15 दिन, फिर 1 साल से 15 दिन, अगर 1 साल 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपका फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब क्या हुआ कि रिफंड इशू करते हुए फील्ड ऑफिसर्स जो भी ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर्स हैं वो ये इंसिस्ट करने लगे कि भाई आप जो है आपने क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं किया या फॉरेक्स आपके पास एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं आया तो आप क्या करो कि आप IGST पे करो. तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई अगर मैं आज IGST पे करवा दूं और कल उसको जीरो रेटेड का स्टेटस दे दूं क्योंकि भाई बाद में गुड्स तो एक्सपोर्ट हो रही है, पेमेंट तो आनी ही आनी है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है. आज ही हम एक लीनियंट व्यू लेंगे और पोस्ट फैक्टो भी इस बात को कंसिडर कर सकते हैं कि अगर उस टाइम पीरियड के बाद भी अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो गए हैं या पैसे आ गए हैं, फॉरेक्स आ गया है, तो आप उसको उसका एक बेनिफिट जो है डिसअलाउ नहीं करेंगे. जो आपने पिछले पॉइंट में कहा कि भी एक सब्सटेंटिव बेनिफिट है एक्सपोर्ट का जीरो रेट का, वो हम डिसअलाउ नहीं करेंगे प्रोसीजरल लैप्स की वजह से. रेवेन्यू न्यूट्रल है. जी नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज डेफिशिएंसी मेमो. हम सबको आदत है, पिछले रिजीम में भी हमने देखा कि जब भी कोई आप रिफंड फाइल करते हो तो सरकार उसमें डेफिशिएंसीज निकालती है, वो डेफिशिएंसी मेमो इशू करती है. एक का आप रिप्लाई करते हो तो फिर कोई एक नई डेफिशिएंसी आ जाती है, फिर आप उसका रिप्लाई करते हो. अब यहाँ कहा गया है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रूल 89 के सब रूल्स के हिसाब से कम्प्लीट होनी चाहिए. ठीक है जी, आपने कम्प्लीट एप्लीकेशन फाइल कर दी एंड स्टिल इफ गवर्नमेंट सीज की उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसीज रह गई हैं तो देन एज पर रूल 90 ऑफ CGST रूल्स उनको एक डेफिशिएंसी मेमो इशू करना है. बट दिट हैज टू बी 1 डेफिशिएंसी मेमो पर रिफंड एप्लीकेशन. ऐसा नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल डेफिशिएंसी मेमोस इशू करते जाएंगे. देन आपने डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया, अगेन सेक्शन रूल 90 कहता है अगर आपने डेफिशिएंसी मेमो इशू करा है तो उसकी सारी डिस्क्रिपेंसीज को डेफिशिएंसीज को खत्म करते हुए आप एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म डालिए, उसके साथ में आपने जो मेन लगाने हैं पेपर्स वो है सबसे पहला ओरिजिनल ERN जो आपने जनरेट करा होगा, ओरिजिनल ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल जो आपने करी होगी, और उसके बाद जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जिससे आपने वो डेफिशिएंसीज को कवर करा है वो सारे के सारे आपके उसमें लगने होने चाहिए. और एक ओरिजिनल डेबिट एंट्री आप करते हो जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो कि आपने उतना पैसा अपने क्रेडिट लेजर से हटा दिया जिसका आपने रिफंड फाइल कर दिया. तो ये सारे के सारे एविडेंसेस उस नई फ्रेश एप्लीकेशन के साथ भी होने चाहिए. अगला पॉइंट दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन का यहाँ पर सर्कुलर 37 में क्लैरिफाई किया गया. उन्होंने कहा कि भाई हमें पता लग रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट बड़ा अडेप्टिव है इस समय और बहुत सारी चीजें जो उनके आसपास हो रही हैं उसका कॉग्निजेंस ले रहे हैं, उसका वो संज्ञान ले रहे हैं दोस्तों. तो उन्होंने कहा कि हमें पता लग रहा है कि फील्ड फॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं वो हर रिफंड क्लेम के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रहे हैं टुवर्ड्स नॉन प्रोसिक्यूशन. अब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल सर्कुलर था 37/2017 जो LUT की फैसिलिटी देता था फॉर एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, तो उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन की पहले से कंडीशन थी कि भाई अगर आपका नॉन प्रोसिक्यूशन का एक डिक्लेरेशन दो कि 250 लाख रुपए से ज्यादा, 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा आपके ऊपर टैक्स इवेजन का कभी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ. अगर आपने ऑलरेडी LUT वहां पर ली हुई है और वो डिक्लेरेशन दी ही होगी तभी LUT मिली है, तो डिपार्टमेंट ये क्लेरिफाई कर रहा है कि भाई हर रिफंड एप्लीकेशन के साथ इस केस में नॉन प्रोसिक्यूशन के सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेनी विल बी रियली फेसिंग दिस इशू, इट इज रिफंड ऑफ योर ट्रांजिशनल क्रेडिट. जी मैम, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट. ट्रांजिशन अपने आप में एक बहुत ही टॉक अबाउट पॉइंट था, ट्रांस 1 को लेके लोगों में बहुत सारी परेशानियां रही. सो अब ट्रांजिशनल क्रेडिट आपका पास ऑन हो गया. अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं एक्सपोर्ट के अंदर. एक्सपोर्ट पहली बात तो रिफंड देता ही देता सिर्फ 2 सिनेरियो में, और वो है जीरो रेटेड और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. उन दोनों के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक वर्ड आता है रेलेवेंट पीरियड, यानी ITC की डेफिनेशन वहाँ
दी हुई है एज पर रूल्स नेट आईटीसी. नेट आईटीसी मींस द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग दैट रेलेवेंट पीरियड. सो द वर्ड इंपॉर्टेंट इज द रेलेवेंट पीरियड. एंड इफ आई टॉक अबाउट ट्रांजिशनल क्रेडिट, सो ट्रांजिशन क्रेडिट इज द क्रेडिट that you are getting today for all the taxes and duties that you have paid in the earlier regime or the earlier laws. So it cannot be fulfilled within the definition of relevant period. Absolutely. So apparently, going by that definition of net ITC, they have further clarified that refund of transitional credit will not be available in case of refund of duties in relation to your zero rated or your inverted duty structure. मतलब जो opening credit हम carry forward करके ला रहे हैं, अगर हम जीरो रेटेड सप्लाई करते भी हैं तो भी उसका रिफंड हमें नहीं मिल सकता. आईटीसी का जो आपने एक्युमुलेटेड आईटीसी जो हम कैरी ओवर करके लेके आए, क्योंकि वहां पे उसने पहले ही सेग्रीगेट कर दिया. 4A 4B को भी सेग्रीगेट किया हुआ है, यानी डीम्ड एक्सपोर्टर मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी जब सेग्रीगेट किया है तो उसने ट्रांजिशन को भी सेग्रीगेट करा हुआ है. सिर्फ रेलेवेंट पीरियड का आईटीसी आपको एलिजिबल ही है, आप अलाउड है. अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि क्या होता है, कई बार मेरे जीएसटी इनवॉइस और शिपिंग बिल में वैल्यू का डिफरेंस आ जाता है, डिस्क्रिपेंसी आ जाती है. वेरी कॉमन एरर, बहुत कॉमन एरर है. तो उसमें हम क्या करें, डिपार्टमेंट क्या बताता है हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं पहली बात तो देखो जी, आप रूल 46 में इनवॉइस इशू करते हो जीएसटी के सीजीएसटी रूल्स में, फिर उसके बाद सेक्शन 15 के हिसाब से आपकी वैल्यू डिटरमाइन होनी चाहिए, जो उन्होंने हमें रिएट्रिएट किया है ऑलरेडी, हम लोग सब जानते भी हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपका जीएसटी का टैक्स इनवॉइस और शिपिंग बिल में अगर वैल्यू का अंतर है तो हम दोनों में से जो लोअर होगा ना वो हम रिफंड के लिए उसको सैंक्शन कर देंगे. मतलब रिफंड शैल बी सैंक्शन ऑन द लोअर ऑफ द टू वैल्यूज इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीएसटी इनवॉइस वैल्यू एंड द शिपिंग बिल वैल्यू. सो दोस्तों ये तो आज का हमारा फर्स्ट 9 पॉइंट्स है जो कि हमारे सर्कुलर नंबर 37 में है. हम रिमेनिंग पॉइंट्स को अगली सीरीज में लेकर आएंगे. तब तक आप हमारे वीडियोस देखते रहें और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको फ्रेश वीडियोस का इंटीमेशन अपने आप आ सके. इसी के साथ सी अर्चना जैन सेइंग यू गुड बाय. थैंक यू वेरी मच.